हाय एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा कोर जावा का सेकेंड मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट्स। हम लोगों ने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे पहले देखा था, उसके बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा था, देन हम लोग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कैसे करते हैं ये भी देखा था, रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हम लोगों ने देखा था, इक्वलिटी ऑपरेटर्स भी देखा था, इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर क्या है ये भी हम लोगों ने समझा था, बिट वाइज ऑपरेटर्स भी हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। सो शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ये बिट वाइज से सिमिलर होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने डबल एंड सिंबल यूज किया है एंड डबल और सिंबल यूज किया है। तो फर्स्ट वाला एंड ही है एंड सेकेंड और है। तो ये दोनों का वर्किंग भी जैसे एंड ऑपरेटर करता था बिट वाइज में वैसे ही करता है, एंड और का भी सेम बिट वाइज में जैसे और वर्किंग था उसका, उसी तरीके से यहाँ भी वर्क करता है। बस डिफरेंस है कि शॉर्ट सर्किट से, मतलब शॉर्ट सर्किट से आप समझ रहे हो, वर्ड से ही पता चल जा रहा है कि मतलब कुछ ये कुछ चीज को शॉर्ट करेगा। जैसे आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, मैंने यहाँ पे यूज किया है सिंगल एंड यूज बिट वाइज में। जैसे हम लोग को ये पता है कि रिजल्ट तभी ट्रू आएगा जब ये पहला कंडीशन हमारा ट्रू होगा एंड दूसरा कंडीशन ट्रू होगा। तो ये दोनों जब ट्रू होगा तभी ये हम लोग इफ स्टेटमेंट का अंदर का जो भी स्टेटमेंट हो यूज मतलब कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एल्स में जाएंगे इस तरीके से। बट यहाँ पे आप देखो कि अगर ये कंडीशन हमारा, सपोज करो ये हमारा फॉल्स हो जाता है कंडीशन, तो बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है, फिर भी वो सेकेंड कंडीशन को चेक करता है। बट कि उसको चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर सपोज करो कि मेरा पहला फॉल्स हो गया और दूसरा ट्रू हो गया, तो वो इफ कंडीशन के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा ना, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है दूसरा स्टेटमेंट को चेक करने का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे एक शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे यूज किया है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर, डबल एंड का यूज किया है। तो इसमें क्या होता है कि पहला स्टेटमेंट जो हमारा है ये अगर ट्रू होगा तभी वो दूसरा स्टेटमेंट को चेक करेगा, क्योंकि उसको एंड ऑपरेटर में दोनों ट्रू होना चाहिए ये चेक करता है, तभी वो सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये ट्रू आता है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स आता है ये यहाँ पे एल्स केस में जाएगा इस तरीके से। ये डिफरेंस ये दोनों में होता है। जैसे बिटवाइज ऑपरेटर में क्या होता है, अगर फॉल्स यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन आता है फिर भी वो सेकंड कंडीशन को चेक करता है। बट इस केस में क्या होता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर में, कि अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाएगा, पहला ही फॉल्स आ जाएगा, तो वो दूसरा चेक ही नहीं करेगा, इस कंडीशन को इवेलुएट ही नहीं करेगा, वो डायरेक्ट एल्स केस में चला जाएगा। क्योंकि उसे पता चल गया कि पहला अगर फॉल्स आ गया तो मतलब कि हमें इफ स्टेटमेंट के अंदर जाना ही नहीं है, एल्स केस में हमें जाना है। दोनों अगर ये फॉल्स हो जाता है, ये फॉल्स हो जाता है और ये ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे ये पूरा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, तो इसके अंदर जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो वो इसी से पता लगा लेता है कि पहला अगर मेरा फॉल्स है तो हम सेकेंड पे जाएंगे ही नहीं, इस सेकेंड पे जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट एल्स केस में हम लोग चले जाएंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर वर्क करता है। अब जैसे यहीं पे सेम और केस में देखो, और केस में क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने और केस में डायरेक्ट यहाँ पे आप देखो लिखा है कंडीशन वन एंड कंडीशन टू, एंड बीच में आप यहाँ पे देखो और ऑपरेटर का यूज किया है, डबल पाइप यूज किया है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर नॉर्मल बिट वाइज ऑपरेटर में क्या होता है कि उसमें देखता है कि एक भी एटलीस्ट वन ट्रू, सपोज करो ये हमारा ट्रू है ठीक है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। सपोज यहाँ पे मैंने अभी एक सिंगल पाइप यूज किया है, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब जब हम लोग अभी ये नहीं यूज कर रहे, सपोज करो ये हम नहीं यूज कर रहे बट हम लोग सिंगल पाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये क्या करता है कि पहला स्टेटमेंट ये पता है हम लोगों को कि जो और होता है उसमें हम लोग को सिंगल अगर ट्रू आ जाता है देन हमारा रिजल्ट ट्रू आता है, मतलब कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। बट ये जो बिट वाइज ऑपरेटर होता है वो दोनों कंडीशन को चेक करता है, अगर ये ट्रू आ भी गया, इस कंडीशन से ट्रू आ गया तो भी ये कंडीशन वो चेक करेगा कि ये ट्रू है या फॉल्स है। बट इसको करना नहीं चाहिए क्योंकि हमें एक ही ट्रू का मतलब बनता है, अगर एक ट्रू आ गया तो हम लोग फर्दर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं स्टेटमेंट, बट ये दोनों कंडीशन को चेक करता है। तो यहाँ पे हमारा टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए हमारे पास आ जाता है शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर। अब इसे यहाँ पे अगर ये ट्रू मिल जाता है तो ये इस कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, ये अगर हमारे पास ट्रू है तो इस कंडीशन को वो चेक ही नहीं करेगा, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देगा इफ के
इनसाइट का जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दे। ये सेकेंड तभी चेक करेगा और के केस में जब ये हमारा फॉल्स होगा, ये हमारा जब पहला कंडीशन फॉल्स होगा तभी ये सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा और का शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट में मतलब हम लोग को डबल पाइप का यूज करना होगा, एंड के केस में डबल एंड ऑपरेटर का यूज करना। अब इसका हम लोग डिफरेंस देखेंगे। जैसे आप इसमें डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पे देखो, ये हमारा बिटवाइज ऑपरेटर है जिसमें हम लोग सिंगल एंड और सिंगल पाइप का यूज करते हैं, इसमें डबल एंड एंड डबल पाइप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ आर्गुमेंट शुड बी इवेल्युएटेड ऑलवेज। इसमें क्या होता है, दोनों कंडीशन को हमेशा चेक करेगा, बट इसमें सेकेंड जो होता है कंडीशन, सेकेंड आर्गुमेंट जो होता है वो हमेशा ऑप्शनल रहता है। जैसे अगर हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं तो अगर हमारा पहला अगर फॉल्स आ जाता है तो दूसरा वो चेक ही नहीं करेगा, पहला ट्रू होगा तभी वो दूसरा कंडीशन को चेक करेगा। सेम अगर और के केस में देखते हैं तो और के केस में अगर पहला फॉल्स होता है तभी वो दूसरा कंडीशन को चेक करेगा, ठीक है। अगर वो पहला ही ट्रू मिल जाता है तो दूसरा कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसे एटलीस्ट वन ट्रू स्टेटमेंट चाहिए होगा। अब यहाँ पे आप देखो दूसरा, इसी के कारण ये पहला जो है बिटवाइज ऑपरेटर जो है ये स्लो होता है, एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर हमारा हाई परफॉर्मेंस करता है। और जो बिटवाइज ऑपरेटर होता है वो बुलियन एंड इंटीग्रल, जैसे हम लोग इंटीग्रल डेटा पास कर रहे थे तो नॉर्मल एंड एंड और ऑपरेटर का जो ऑपरेशन होता है वो कर देता है, बट इनके शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर हम लोग बस बूलियन वैल्यू पास कर सकते हैं। सो हम लोग आ गए हैं अपने नोटपैड प्लस प्लस एडिटर पे, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कैसे शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर से चेक करते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट क्लास पहले से बना रहता है हमेशा, और हम लोग इसे में प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ int x इक्वल टू 2, int y इक्वल टू 3। मैंने दो वेरिएबल लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूँ प्लस प्लस x इज लेस देन 2 एंड प्लस प्लस y इज ग्रेटर देन 3। इस तरीके से मैंने लिखा, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन यहाँ पे लिख देता हूँ इनसाइड, कहीं पता है हम लोग को चले गए हम लोग इफ के अंदर में, यहाँ पे एल्स केस लिख सिस्टम डॉट इनसाइड एल्स, लोग एल्स के केस में। अब हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये बिटवाइज ऑपरेटर, ये दोनों, ये हमारा जो है ये फर्स्ट कंडीशन है जो मैंने ग्रे आउट किया है, ये हमारा सेकंड कंडीशन है। तो हम लोग पता कैसे करेंगे कि ये दोनों कंडीशन को बिटवाइज ऑपरेटर चेक करता है। तो अब देखो यहाँ पे मैंने इंक्रीमेंट किया है वाई को, ठीक है, और ये एंड ऑपरेटर है। तो हम लोग को अगर ये मैंने छोटा प्रोग्राम लिखा है तो यहाँ पे हम लोग को सिंपल समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग प्लस प्लस एक्स करते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू 2 है, एंड प्लस प्लस एक्स करेंगे तो उसका वैल्यू हमारा 3 हो जाएगा, एंड 3 जो होगा ये जितना भी ग्रे आउट हुआ है ये 3 इज लेस देन 2, तो ये हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हो जा रहा है। तो फॉल्स हो जाएगा बट फिर भी वो सेकंड कंडीशन को वो चेक करेगा। तो देन अगर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा तो वो वाई को इंक्रीमेंट करेगा, एंड ये टोटल कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो वो इफ का कंडीशन में जाएगा नहीं, वो एल्स में आएगा। एल्स में आएगा तो हम लोग यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन करके देखेंगे, यहाँ पे वाई का प्रिंट करके देखेंगे कि वाई का वैल्यू क्या आता है। अगर वाई का वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, यहाँ पे देखो आप, अगर इंक्रीज हो जाता है मतलब बिट वाइज ऑपरेटर पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी वो सेकेंड कंडीशन को एवेलुएट कर रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा। इसे सेव करेंगे, हम लिखेंगे सेम टेस्ट डॉट डन, ये हमारा कंपाइल किया जावा टेस्ट। तो आप देखो यहाँ पे इनसाइड एल्स में जा रहा है और रिजल्ट हमारा 4 आ जा रहा है, मतलब कि ये सेकेंड कंडीशन को इवेलुएट कर रहा है, इवेन ये जो हमारा फर्स्ट कंडीशन है फॉल्स हो रहा है फिर भी। बट यही अगर हम लोग यहाँ पे एंड ऑपरेटर शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का यूज करते हैं, तो ये सेकेंड कंडीशन को इवेलुएट नहीं करेगा, इट मीन्स हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो भाई का 3 आएगा। देखो कैसे मैंने सेव किया, मैंने यहाँ पे अभी ये देखो यहाँ पे जो ग्रे आउट किया है, शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, इससे पहले हम लोग बिटवाइज कर रहे थे, सेव कर दिया है। आ जाते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पे,
ये देखो हमारा रिजल्ट यहाँ पे 3 आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब हम लोग एल्स केस में है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमारा ये कंडीशन पूरा फॉल्स हो जा रहा है, ये इस सेट का कंडीशन फॉल्स हो जा रहा है। तो हमारा एक फॉल्स है और दूसरा हमारा ट्रू है, ठीक है? दूसरा ट्रू है, ये मतलब हम लोग के मुताबिक ये हमारा ट्रू है। बट ये जब हम लोग शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये सेकेंड जो RHS में इस कंडीशन को वो चेक ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि मैं एंड ऑपरेटर हूं और मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तो इसे फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स में जा रहा है, तो दूसरा कंडीशन को चेक ही नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे इस एंड ऑपरेटर को पता है कि मैं एंड ऑपरेटर हूँ, ठीक है, एंड मुझे दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, तभी हम इफ स्टेटमेंट को इनसाइड इफ के अंदर हम जाएंगे, अदरवाइज हम एल्स के अंदर में जाएंगे। तो इसे ये फर्स्ट जो फर्स्ट कंडीशन है यही फॉल्स मिल जा रहा है, तो वो सेकेंड को इवेलुएट ही नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा रिजल्ट यहाँ क्या जा रहा है? 3 आ जा रहा है, वो एल्स केस में चला जा रहा है। सिमिलरली अब हम लोग जब एंड ऑपरेटर को देखेंगे, तो सपोज करो मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे वाइप कर देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहला स्टेटमेंट जो है, पहला स्टेटमेंट आप देखो प्लस प्लस एक्स, तो प्लस प्लस एक्स क्या हो रहा है, 3 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 3 इज, तो ये हमारा पूरा स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जा रहा है, फॉल्स हो जा रहा है। फॉल्स हो जा रहा है तो इस केस में ये क्या करेगा, सेकेंड कंडीशन मतलब कि अगर इसे हम ट्रू भी कर देते हैं, सपोज करो ये ट्रू कर दिया, स्टेटमेंट हमने ट्रू कर दिया, तो अब ट्रू कर दिया फिर भी ये सेकेंड को चेक करेगा और के केस में भी। देखो कैसे, जैसे मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी मेरा कंडीशन ट्रू आ रहा है, उसे एक्स कर देते हैं, तो यहाँ पे ये क्योंकि और का केस है, तो इसे एटलीस्ट वन, इसे पता है कि मैं और हूँ और मुझे एक भी ट्रू चाहिए, ठीक है, तो वो दोनों कंडीशन को एवेलुएट करेगा। ये हमारा ग्रे आउट जो है ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये हमारा जो है सेकंड कंडीशन है, तो उसे बस एक भी ट्रू चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, वो तो पहला चेक करेगा, पहला से हमारा ट्रू आ जाए, ठीक है, ये पहला से ट्रू आ जाएगा। बट पहला से ट्रू आ जाएगा तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा 3 ही आना चाहिए, बट वो सेकेंड कंडीशन को भी इवेलुएट करेगा, जो कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा 4, तो रिजल्ट यहाँ पे आएगा 4 आएगा, क्योंकि वो दोनों कंडीशन को चेक कर रहा है। ये देखो यहाँ पे हमारा इनसाइड इफ हमारा रिजल्ट 4 आ रहा है, ठीक है? बट यही अब हम लोग शॉर्ट सर्किट यहाँ पे एक और पाइप का यूज करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक और पाइप का मैंने यूज कर दिया, अब ये सेकंड कंडीशन को इवेलुएट ही नहीं करेगा, इसे पता है कि मैं और हूं और मुझे एक ही ट्रू चाहिए होगा, ठीक है, तो ये ट्रू इसको यहाँ से मिल जाएगा, तो ये सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा, अब हमारा रिजल्ट यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखो ये देखो हमारा रिजल्ट 3 आ रहा है। इवन अगर ये तभी सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा जब पहला कंडीशन इसका फॉल्स होगा, इसे हम लोग फॉल्स कर देते हैं, ठीक है, इसे हम लोगों ने फॉल्स कर दिया, लेस देन यूज किया, सेव करेंगे, तब ये देखो अब ये सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा। ये देखो 4 आ गया रिजल्ट, मतलब ये इसमें क्या हो रहा है कि ये पहला स्टेटमेंट जब फॉल्स होगा मतलब पहला कंडीशन, तभी वो सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अदरवाइज वो पहले से ही अगर ट्रू आ जाता है तो सेकंड कंडीशन को चेक नहीं करेगा, क्योंकि और के केस में मुझे एक ट्रू चाहिए वो। सिमिलरली अगर एंड के केस में देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे एंड लिखे थे, जो यहाँ पे एंड लिखे थे, तो एंड में हमारा अगर ये पहला पहला अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तभी वो सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा, अदरवाइज अगर पहले से ही अगर इसे हम लोग फॉल्स कर देते हैं इस तरीके से, तो ये पहला कंडीशन अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो वो सेकंड चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इस एंड ऑपरेटर को, ये जो मैंने ग्रे आउट किया है एंड ऑपरेटर को, शॉर्ट सर्किट एंड ऑपरेटर को पता है कि हमें दो ट्रू चाहिए, अगर एक भी उसे फॉल्स मिल जाता है तो वो
RHS का जो कंडीशन है उसको चेक ही नहीं करेगा। सो ये होता है हमारा बिट वाइज ऑपरेटर एंड शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर में डिफरेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।